नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मशरूम मसाला करी। बेहद ही हटके और आसान रेसिपी, आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 200 ग्राम जितने बटन मशरूम, जिसको हम कट करेंगे सिर्फ एक मशरूम के चार हिस्से हो इस तरह से। इसी तरह से हम सारे मशरूम को कट कर लेंगे। मशरूम हमने सारे कट कर लिए हैं, अब हम करेंगे मसाले की तैयारी। मसाले के लिए हमने लिए है यहाँ पर 2 बड़े प्याज लिया है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च ली है, 6 से 7 कली हमने लहसुन की ली है, 1 चम्मच लिया है हमने साबुत जीरा, 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और हमने ली है यहाँ पर 1 मुट्ठी जितनी कच्ची मूंगफली। इन सभी चीजों को हम मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। मसाले सारे ग्राइंड करने के बाद हमने रखा है एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए, जिसमें मैं सबसे पहले डालूंगी सिर्फ 1/2 चम्मच जितनी हींग, और उसके बाद हमने ये जो मसाला दरदरा पीस कर रखा है वो सारा हम इसमें डाल देंगे। मसाला जो है वो सारा डालने के बाद इसको हम तब तक भून लेंगे जब तक इसमें से तेल नहीं छूट जाता। कुछ देर बाद जब हम देखेंगे तो हमारे ये जो सारे मसाले हैं उनमें से तेल जो है वो अलग हो चुका है। इस वक्त हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में हम डालेंगे 1 चम्मच इतना धनिया पाउडर। सारे मसालों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से एक बार राह देखेंगे हम इसमें से फिर से तेल छूट जाए तब तक। कुछ देर बाद मसालों से तेल छूट गया है, उस वक्त हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जितना घी, जो इसकी खुशबू को एकदम अलग कर देगा और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी बनाएगा। घी मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 1 ग्लास जितना पानी और साथ ही में हमने ये जो मशरूम कट करके रखे हैं वो भी सारे हम इसमें डाल देंगे। सभी चीजों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम देखेंगे तो हमारी ये जो मशरूम मसाला करी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे सिर्फ 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया। गैस को कर देंगे हम बंद और इन सभी चीजों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और परोसेंगे हम एक बर्तन में। हमारी मशरूम करी जो है बनकर रेडी है दोस्तों। मैंने आपके सामने परोसा है इसको गार्निश करके मशरूम और हरे धनिया के पत्ते से। ऊपर से आप इसमें डाल सकते हैं फ्रेश क्रीम भी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।